क्या हो रहा है ये? छोड़ दो उसे। I say stop it. ए, बंद करो रोना। इतने बड़े होकर रोते हो? उठो। अरे तुम्हारे तो चोट लगी है। चलो उठो, चलो घर के अंदर चलते। आओ उठो 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 उठो, चलो चलो। अरे नमस्ते। तलवार अरे मुटुकू, अरे मुटुकू, मुटुकू टू टू टू, अरे मुटुकू, अरे 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 ये मुटकू आपका है? हाँ हाँ। बहुत अच्छा है। लाओ इधर, ऊपर बैठो, देखे कहाँ चोट लगी थी। ओ, खून निकल रहा है। रुको, उनमें से किसने तुम्हें मारा? मुझे कौन मार सकता है, उनमें से आधों को ना मैं खुद ही पीट सकता हूँ। पीट सकता हूँ मतलब? हाँ पीट तो सकता हूँ, लेकिन पीटूंगा नहीं। लड़ाई झगड़ा मारना पीटना सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? नहीं मुझे भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, तब ठीक है। लेकिन उनमें से किसी ने तो तुम्हें चोट पहुँचाई है। नहीं ये चोट ना मैंने खुद अपने हाथ से पहुँचाई है। मतलब? हाँ, इससे पहले आप पूछे कैसे पहुँचाए तो मैं खुद बता देता हूँ कि कैसे पहुँचाए। देखिए एक पत्थर उठाइए और आसमान की तरफ यू करके फेंकिए और उसके नीचे ढिंचक 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 नाचिए तो बताइए चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ लगेगी। लेकिन हाँ चोट जब तुमने खुद लगाई हाँ तो फिर रोए क्यों? लो चोट में खुद लगाऊंगा तो कोई दूसरा रोएगा। लेकिन ना हाँ। ये मैं चोट की वजह से नहीं रोया हाँ। ये तो मैं खाने की वजह से रोया था। खाने की वजह से? हाँ खाने की वजह से कोई रोता है भला? आपको क्या पता मैं किस किस वजह से क्या क्या करता हूँ। मेरा वो दोस्त है ना उपल, आप नहीं जानती उसे, मैं आपको मिलवा दूंगा। अच्छा, हाँ, तो उसने कहा कि बादामों वाला हलवा खाओगे तो मैंने कहा हाँ, तो उसने दे दिया और मैंने खा लिया। खा लिया? हाँ। तो फिर रोए क्यों? लो इसमें वो उसमें बादाम थोड़ी थे। तो क्या था उसमें? जामुन की गुठलियां थी। गुठलियां? हाँ। लेकिन तुम्हारी तो अच्छी भली आंखें हैं, तुमने देखा नहीं? कोई मैं बच्चा थोड़ी हूँ, वो तो मैंने विश्वास के ऊपर जामुन की गुठलियां खा ली। जब खा ली तो फिर रोए क्यों बता? आपको तो मुझे हर बात समझानी पड़ती है। वो ना हाँ। जामुन की गुठलियां खा ली वो तो ठीक है हाँ। लेकिन उस बात पर मुझे कोई बुद्धू बेवकूफ कहेगा तो मुझे रोना नहीं आएगा? आएगा आएगा। आप ना हर बात समझ जाती हैं लेकिन बहुत देर के बाद समझती हैं। अरे घोड़ा लाल, अरे ये इसे लड़ लो, ये ठई 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 कर 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 डी पुड़ी 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 डी पुड़ी 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 डी। अरे अरे बा, ये
ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ। आप अकेली रहती हैं? हाँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? आपको नहीं, आपके अम्मा जी और बाबू जी को। लो। लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मेरे तो है। अच्छा कौन? छोटी बहन बिन्नू, अम्मा जी, बाबू जी। आपके पास बिल्ली है? नहीं। मेरे पास है। अच्छा? उसका नाम है ठुमकू। मैं उसे ना रोज हेलो ठुमकू कहकर बुलाता हूँ। अच्छा। और ना 13 मुर्गियां हैं, अम्मा जी ने उनका नाम नहीं रखा। और एक ना गाय है, उसका बच्चा है, उसका नाम है पिंकू। ये ठुमकू, पिंकू, बिल्लू, ये पहाड़ी लोग ऊ क्यों लगा देते हैं हर नाम के बाद में? जैसे विनोद का बिन्नू, निरुपमा का नीरू, प्रदीप का पप्पू। इसके बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सोचा था। तो सोचना चाहिए, ऐसी बातें तो सोचना चाहिए, लड़ाई झगड़े के बारे में थोड़ी ना। आप बुरा ना माने, एक बात पूछूं? पूछो। मैं अपने घर चला जाऊं? कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर? लो, मेरा घर अपने घर में होगा और कहाँ होगा? सो तो ठीक है, लेकिन धर्मशाला में कहाँ रहते हो? पुराना कांगड़ा, राजा सर संसार चंद के किले के पास। अच्छा, अच्छा नमस्ते। नमस्ते। एक और ले जाऊं? ले जाओ। मुझे ना सेब सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा टुट्टू, ये बता यार, मुझसे नाराज तो नहीं है तू? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा यार? वो पुलिस को खबर तो नहीं करेगी? कौन? भाई जिससे तू बात कर रहा था। अरे मैंने तो किसी से बात नहीं की। मेरा मतलब जो तुझसे बात कर रही थी। कौन वे? अबे वो यार। अच्छा वो वो तो काय को पुलिस में बोलेगी? मैंने तो, जानते हो मैं कभी किसी से शिकायत करता ही नहीं, तो वो पुलिस में कैसे बोलेगी? तो यार एक बात है, वो थी बड़े गुस्से में। कौन? वही। नहीं उसको ना कभी गुस्सा नहीं आता। अच्छा। वो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो छोड़ो यार, चलो गाना सुना लो यार। अरे वही अपना यार, वही वाला, वही यार। अरे यार सुना दे यार, छोड़ यार, चलो मैं चुप कर जा भाई, गाना चलो। भला मियां मैंने जरा करा है बीच बंगलू तेरा, जो मेरा कितने टन सोना तस्करी से देश में आ चुका है तब खबर। कपड़ा ये ले। बाबूजी इंतजार कर रहे हैं खाने पे तेरा। फिर मसाली कमीज। ओ ठहर बाबू ठहर, हाथ नीचे कर। ए टुटू सुन सुन ना, रॉकी फिल्म लगी है, दिखाएगा ना? अच्छा रुक। पिछले हफ्ते तुझे लव स्टोरी दिखाई थी, अब नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे रॉकी भौकी। आग लगे बिन्नू। बाबू जी ये अच्छे घर की लड़कियों की चाले हैं, ना काम ना धाम, सारा दिन मटर गश्ती। आग लगे गुलेरिया की टाकी को, गंजा जब देखो गंदी से गंदी फिल्में लाता रहता है। अम्मा जी बिन्नू कह रही थी फिल्म देख कर कि मैं भी हीरोइन की तरह लाल लाल रंग के कपड़े सिलवाऊंगी। चल झूठा,
बाबूजी वो कुमार गौरव है ना? अशोक कुमार बेटे? नहीं बाबूजी, फिल्म में हीरो है। बाबूजी टुट्टू कह रहा था वैसे पैंट सिलवाऊंगा। और क्या अम्मा जी, मुझे पैंट बहुत अच्छी लगती है ना। अगले महीने उस जगदीश का हिसाब चुका दूंगा, बस पैंटे आ जाएंगे। किरपू तू भी अभी खाना खाएगा? तू भी अभी खाएगा? वही 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 दे देना उसको। ये ले। फिर ले लेना। फिर ले लेना। जा खा ले खाना। जा मैं तुझसे बात नहीं करती। नहीं करेगी बात? नहीं करूं। नहीं करेगी? नहीं 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 छोड़। मुझे मालूम है तू मुझसे बात क्यों नहीं करेगी, तेरी ना शादी होने वाली है और तुझे मेरे होने वाले जीजाजी की याद आ रही है। बाबूजी जब बिन्नू की शादी हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर फिर बेटे तू कुछ देर के बाद मामा बन जाएगा। बाबूजी तेरे को कैसे शर्म आ रही है? जा मैं जरूर बनूंगा मामा, मेरी मर्जी है। टुट्टू तू भी कमाल का लड़का है। बाबूजी मैंने ना 18 रुपया आपकी जेब में रख दिए हैं। 18 रुपए? बेटा 18 रुपए तो तुम्हें कुल मिले होंगे, ये बस का किराया कहाँ से दिया? बाबूजी वो क्या है ना कि उपल ने मेरे साथ शरारत की थी तो किराया भी उसी ने दिया है। फिर बनाया होगा तुझे बुद्धू। आज कुछ ठंड ज्यादा नहीं है रूप? धौलेधार पे खूब बर्फ गिरी है। वाह रूप, आज चीड़ के पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, सुनो। बाबूजी मुझे टुट्टू के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता।
ये कभी ठीक नहीं होगा क्या? रूप, ये बात तुम हजार बार पूछ चुकी हो। टुट्टू जैसा है उससे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, पर उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना तो हमारे पास नहीं है ना। ज्वाला देवी से मन्नत मांग मांग कर बच्चा लिया था, ये तो नहीं कहा था कि दिमाग में नुक्स डाल दे? रूप, बड़ा डर लगता है इसे कुछ हो गया ना तो मैं तो जी ली बस। चल उठा ले। यार उपल, टुट्टू के साथ तेरा कल वाला मजाक घटिया था। देखा बुरा मान गया होगा, इसीलिए तो आया नहीं। मजाक था तो घटिया, मगर उसने बुरा नहीं माना होगा। अरे यार है मेरा, इतने से थे जब नेकर भी नहीं पहना करते थे, तब का यार आना है अपना। तो फिर आया क्यों नहीं? अरे टुट्टू मलंग है, उसकी अपनी दुनिया है, बावरे को जो सूझता है वहीं अटक जाता है। अरे कहाँ चली गई गिलहरी? मेरी काटू माटू कहाँ चली गई? आजा आजा। लो कर लो बात, पेड़ पे चढ़े साथ साथ, मूंगफली खाई साथ साथ, और मुझे यहाँ पेड़ पे अकेला छोड़ के चली गई है? मुझे ये धोखा नहीं पसंद है। हाँ, जब धोखा देना था तो मेरे साथ क्यों चढ़ी थी ऊपर? हाँ? आजा, अब मुझे चढ़ा गई, अब मैं यहाँ टंगा है। अरे मुझे उतरते नहीं बन रहा, काटू माटू आजा। पेड़ बाबा, मैं आपसे नहीं अपनी काटू माटू गिलहरी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ ऊपर चढ़ा के चली गई है, अब आप ही मुझे नीचे उतार दो, उतार दो। उतार दो।
मिसेस चौहान, थैंक यू शील, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। भाई कहाँ रही इतने दिन, नजर ही नहीं आई। बस ऐसी, आप भी तो बहुत दिनों बाद आई है, आइए। फूलो चाय ले आओ। शील, दरअसल पिछले दिनों मैं बहुत बिजी रही, ब्रिगेडियर साहब तो यहाँ है नहीं ना, अब सारे काम मुझे ही तो देखने थे। आपके यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है ना? हाँ, शुक्र करो खत्म हो गया है। दरअसल शील, मैं तुमसे इसी सिलसिले में मिलने आई थी। कल सुबह ना मैं शिमला जा रही हूँ एक हफ्ते के लिए। अब क्या बताऊं तुम्हें, लाख मना किया कि भाई मुझे वॉर विडो वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं बनना, पर मेरी कोई सुने तब ना। मिसेस चौहान, आपसे अच्छा प्रेसिडेंट उन्हें और कहां मिलता। थैंक यू शील। हाँ तो मैं कह रही थी कि बाकी तो सभी मजदूरों को मैंने पैसे दे दिए, बस एक वो पगला ही रह गया। पगला? पागल तो नहीं है, लेकिन उम्र के मुताबिक उसमें अकल नहीं है, बेचारा सभी उसे बहुत तंग करते हैं। अरे उस दिन तो हद कर दी, टॉफी के बहाने उसे साबुन का टुकड़ा खिला दिया। ओ नो, बेचारा सारा दिन उल्टियां ही करता रहा। अगर ब्रिगेडियर साहब यहाँ होते ना तो सबको पकड़ के ठुकवाती। God is very cruel. बहुत ही मौजी है, आज आया ही नहीं, उस दिन लड़कों की शरारत में अपना थैला मेरे यहाँ ही भूल गया। ये इसमें उसका कुछ सामान है और मैं पीछे कह जाऊंगी, वो तुम्हारे यहाँ से आके ले जाएगा, और ये उसके कुछ पैसे हैं। It would be my pleasure, Mrs. चौहान। सीमा का आने का कोई इरादा नहीं है? हमारी बिटिया रानी? अरे भाई वो आए तब ना, जो उसके मियाँ मिस्टर मनकोटिया साहब उसे आने दें। अरे आर्मी ऑफिसर से शादी करके तो वो सिर्फ केयर ऑफ 56 एपीओ बन के ही रह गई है। आपकी शादी भी तो आर्मी ऑफिसर से हुई थी मिसेस चौहान। भाई हमारे वक्तों की तो बात ही कुछ और थी ना। अच्छा मैं चलूं, मैंने अभी जाके सारी तैयारी करनी है। अरे चाय तो पीती जाइए। नहीं, चाय में बहुत निकोटीन होती है, मैं चलूंगी अब। अच्छा शील चलती हूँ, ओके बाय। शील एक बात याद आई, तुम्हें मेरी कसम किसी को बताना नहीं, वो जो नीचे धर्मशाला में यूथ क्लब खुला है ना, उसका प्रेसिडेंट भी मुझे ही बना रहे हैं। आपको? हाँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, okay. पीछे ख्याल रखना। जरूर, जरूर। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह? ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो मलिया ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर धर्मशाला में चाय पीने के लिए रुक गया, नहीं तो मैं तो पहले पहुंच जाता। बोलो घंटे। जरा रुको तो तुम। अच्छा बोलो, चाय पियोगे? तो फिर मैं अपने लिए बना लूं? आप ही का घर है, जो मर्जी करिए। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? टुट्टू। टुट्टू? हाँ। उससे आगे क्या है? टुट्टू और कुछ नहीं। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। देखो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरा नाम शील मसीह है ना, हाँ। शील के आगे मसीह, वैसे तुम्हारा क्या है? मेरा नाम टुट्टू है और कुछ नहीं, मैं अपना झोला लेने आया था।
अच्छा हाँ। अभी लाती हूँ। ये लो, इसमें रुपए भी है, वो मिसेस चौहान है ना, उन्होंने दिए थे। ठीक है। आज कहाँ काम करोगे? आज काम की छुट्टी। कल? पता नहीं। क्यों? जब मुझे मालूम नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं? अच्छा बताओ, क्या क्या काम करना जानते हो? बिजली, नल की मरम्मत, खेत, मकान, जानवर, ये सब मेरे लिए बहुत आसान है। टुट्टू, यही है ना तुम्हारा नाम? मेरे यहाँ काम करोगे? शील मसीह, यही है ना आपका नाम? नहीं। क्यों? कमाल है, सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। जब तक मैं अम्मा जी बाबू जी से नहीं पूछ लूंगा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो क्या तुम उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं? जी नहीं। वो क्यों? आप अकेली रहती हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। मैं ना उन सबको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अम्मा जी को उन सबसे ज्यादा। अम्मा जी को ज्यादा क्यों? वो ना मेरे लिए रात दिन रोती रहती हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ काम करने के पैसे कितने मिलेंगे? 25 रुपए रोजाना। देखिए पैसों की ठीक ठीक बात कर लीजिए, बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस का आने जाने का किराया कौन देगा? मैं ही दूंगी। पुराना कांगड़ा से मैक्लोडगंज तक का? हाँ मंजूर, लेकिन खाना तुम्हें यही खाना पड़ेगा। आपके पास बहुत पैसा है? तुम्हारे पास नहीं है। मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास अम्मा जी जो है। अच्छा मैं जाता हूँ, नमस्ते। बहुत खुशकिस्मत हो टुट्टू। अरे टुट्टू आज तो इतनी जल्दी वापस? बाबू जी काम खत्म, पैसा हजम। शुक्र है, चल मुझे भी कुछ आराम मिला। कोई नया काम मिला क्या? किरपू ऐसे तो तू संभाल जाएगा। चल इधर चल। अम्मा जी बिन्नू क्यों नहीं आई? सिलाई सेंटर गई है, एक और काम मिला है यहाँ। शुक्र है इसे भी कांगड़े में कोई काम मिला। मैं तो कल ही जाकर चमुंडा देवी के प्रसाद चढ़ाऊंगी। कांगड़ा वांगड़ा में कोई काम नहीं है? हैं? फिर धर्मशाला में क्या? नहीं मैक्लोडगंज में। अच्छा शील मसीह के यहाँ। ये मुई कौन है? मुझे क्या मालूम। चल जवान है क्या? मुझे बात करने दो ना। टुट्टू बेटे हाँ? वो मैक्लोडगंज में कहाँ रहती है? मिसेस चौहान की कोठी के पास। वो कहाँ है? अब मेरी बारी, इधर आ। कमाल है, समझी नहीं आप, शील मसीह की कोठी के साथ। बाऊजी ऐसे ही कोई जवान औरत हुई तो? तुम चुप भी रहो ना। 25 रुपए रोज और आने जाने का किराया भी। 25 रुपए? अब बस कर दे किराया और खाना भी साथ में। चल बाऊजी आया। वे 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 कौन सा वे? वे यही वे 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 बाऊजी हाँ मैं तो कहती हूँ इसे वहाँ जाने ही ना दो। कहना बहुत आसान है रूप, टुट्टू घर में बैठ के करेगा क्या? लेकिन यहाँ कांगड़े में को काम मिल जाता तो अच्छा था। यहाँ काम कहाँ, कांगड़ा गरीब लोगों का शहर है। फिर डॉक्टर के मुताबिक टुट्टू का खाली बैठना भी तो ठीक नहीं, शायद चंद दिनों की बात है, यही कहीं काम मिल जाएगा तो वो काम छोड़ देगा।
मैडम शील मसी, काम बताइए। गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? अरे अब तो मुझे यहाँ रोज रोज आना है, रोज रोज गुड मॉर्निंग करूंगा तो हो लिया काम। चलिए काम बताइए। काम, अच्छा बाहर चलते हैं। चलिए। बताइए बस, हाँ बताइए। वो देखो नीचे, वहाँ घास बहुत बढ़ गई है। हाँ। वो काटनी है। बस आप बेफिक्र रहिए, घास की मैं अभी छुट्टी करता हूँ। लेकिन आपके पास वो गाय भैंस है? नहीं। लो फिर हो गई ना मुसीबत। कैसी मुसीबत? अब सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा, ये घास खाएगा कौन? अच्छा तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ। शाम को गद्दे चरवाए यहीं से गुजरते ले जाएंगे। ठीक है। मैडम शील मसी, क्या हुआ? बाबू जी ने ना आपके लिए एक चिट्ठी दी है। चिट्ठी? हाँ। जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ ना काम करने। हाँ। तो मुझे जरूर चिट्ठी लिख कर देते हैं। अच्छा। हाँ। क्या लिखा है इसमें? मुझे क्या मालूम, मैं कोई पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। अगर मैं पढ़ना जानता भी तो मैं दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ता, क्योंकि दूसरों की चिट्ठी पढ़ने में पाप लगता है। अब मैं जाता हूँ अपना काम करूंगा। मोहतरमा आदाब, टुट्टू हमारा बड़ा बेटा है, ये डॉक्टरों के मुताबिक मंदबुद्धि है। बहुत खुशी या सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, भीड़ से घबराता है, पर इसमें हजारों खूबियां भी हैं, कुदरत का प्रेमी है। झूठ नहीं बोल पाता। ये खत मैं इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि आप बड़ी हैं, समझदार हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि लड़की जात की सोहबत ना करे। इसे अभी जिंदगी की बहुत मामूली बातें मालूम नहीं है, धीरे धीरे पता लगाना ही सही रहेगा। इस खत का बुरा न मानिएगा। आपका आपकी मर्जी। अच्छा चलो अब खाना खा लो। अरे खाना तुम्हें लेकर आया हूँ अपने साथ। क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि खाना तुम मेरे साथ खाओगे यहाँ। हाँ कहा तो था थे? लेकिन ना मैंने अम्मा जी से ऐसे कहा, तब अम्मा जी तो अम्मा जी हैं, तो वो कहने लगी जाने चुड़ैल मेरे बेटे को क्या खिला दे। तो मैं खाना अपने साथ लाया हूँ। तुम्हें क्या मैं चुड़ैल लगती हूँ? नहीं लगती तो नहीं है, आप काली काली थोड़ी है। तुम बातें भी तो ऐसे ही करते हो। तो क्या मैं बुद्धू हूँ? मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा। तो फिर क्या हूँ? टुटू और बस कुछ नहीं। आप सब कुछ कितने जल्दी समझ जाती हैं। अच्छा दिखाओ क्या लाए हो तुम खाने में। हैं?
आलू के पराठे और डेहूं का अचार। अच्छा हाँ। मैं थोड़ा चखूं? नहीं, मैं थोड़ा चखूं? ऐसे लोग मैं थोड़ा चखूं करके सारा खाना चख जाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। मैडम शील, आप क्रिश्चियन हैं? तो क्या मेरे क्रिश्चियन होने से तुम्हारे मेरे यहाँ खाना खाने में फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने सोचा कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपके पास चॉकलेट होगी तो आप मुझे चॉकलेट देके मेरा खाना ले सकती हैं। अच्छा लेकिन मेरे पास चॉकलेट तो नहीं है। हाँ, केक है, खाओगे? केक तो मुझे चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे आलू के पराठे और डेहूं का अचार। हाँ, लीजिए लो, इसमें रख के खाओ। बहुत अच्छा बना है। घास कट गई? कौन सी घास? वही जो तुम काटने गए थे। अच्छा याद दिलाया, मैं इतनी देर में सोच रहा था कि मैं वहां करने क्या गया था। अभी काट के आया। अरे टिट्टू, खाना तो खाते जाओ। क्यों, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो नहीं आ रही, आप सो जाओ। मुझे तो नहीं आ रही, वैसे भी बुढ़ापे में कमी आती है। अब आप खामखा बातें ना बनाओ, चुपचाप सो जाओ। सोऊं तो तब ना जब नींद आए, तुम क्यों नहीं सो जाती? रूप, रूप, सो गई क्या? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, बस सो जाओ। बार बार सो गई पूछोगे तो सो ली। अब नहीं पूछूंगा, सो जाओ बस। पहले ये बताओ क्या बात थी? कौन सी बात? वही जो बोलने जा रहे थे। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला था। आपको मेरी कसम। हाँ, मैं तो बस यूं ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि चंद महीनों में बिन्नू के हाथ पीले करने हैं। तो कुछ नहीं। बताओ ना। अब भी बताऊंगा तो तुम फिक्र करने लगोगी। नहीं बताओगे तो और भी फिक्र करूंगी। हाँ रूप, तुम तो बस, मैं तो बस यूं सोच रहा था। देखो, तुम फिक्र ना करना है, मैं ये सोच रहा था कि शायद 4 बज गए। अब बात मत टालो। कौन टाल रहा है? मैं तो सोच रहा था कि पहाड़ों में रात कितनी लंबी और खौफनाक होती है। देखो, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो रूप। चलिए नखरे मत कीजिए, मेरा तो अभी से दम निकला जा रहा है। ना ना, बात तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं रूप। कल को बिन्नू भी अपने घर चली जाएगी, कहीं हम दोनों तो टुट्टू।
बाबूजी, ईश्वर ने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या दोनों बच्चों में दिमाग बराबर नहीं बांट सकता था? बताओ कि बिन्नू ठीक ठाक है? मुए को चांद सी सूरत दे दी, पर सर में मैडम शील, अभी तो इतनी ठंड नहीं हुई है ना? हाँ, तो फिर आप इतनी लकड़ियां क्यों कटवा रही हैं? आप लोगों की वजह से ये सारे जंगल सभा चट हो गए हैं। तुम्हें जंगल बहुत पसंद है ना? आपको अपना घर बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। क्यों? समझ गई। अच्छा, अब यहाँ आओ और आकर चाय पी लो। ठीक है, आप कहती हैं तो पिए लेता हूँ। मेरे को ना ये लकड़ियाँ काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? बस मुझको ये काटना पीटना नहीं अच्छा लगता। चीनी कितनी? पहले आप कप में चाय तो डालिए। अच्छा। हाँ, बस 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 बस। हाँ, अब इसमें, अच्छा आपने अपने में डाली। अब दूध डालिए। बस बस बस, अब इसमें चीनी डालिए। आपने चीनी के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी इसमें। हाँ डालिए, और डालिए, और डालिए, और डालिए, और डालिए, और डालिए। डालते रहिए जब तक छलक ना जाए। जब चाय छलक जाए तो समझ लीजिए बहुत हो गई। हाँ देखा ना, अब छलक गई ना। हाँ, अब बस समझ लीजिए बहुत हो गई। ये तो बहुत आसान तरीका है। मेरे को ना ट्रैक्टर और मोटर चलाना बहुत आसान लगता है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। तुम बिल्कुल नहीं पढ़े। पढ़ा तो हूँ। फिर छोड़ क्यों दिया? आपको पता नहीं, ये मास्टर लोग बहुत तंग करते हैं। एक बार पढ़ने बिठाते हैं फिर बस सर में दर्द करके ही छोड़ते हैं। लो। तुम पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगी। मैं यहाँ पढ़ने लग गया ना तो फिर हो गया काम। देखो, काम तो हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं ना। लेकिन मैं अपनी मजदूरी में से एक पैसा नहीं दूंगा। अब बहुत चाय वाय हो गई, अब मैं जाता हूँ अपना काम करूंगा। और चाय के लिए धन्यवाद मैडम शील मसीह। देखो, मेरा नाम शील है। शील कहना मैडम शील मसीह कहने से कितना आसान है ना? लेकिन अम्मा जी तो कहती हैं अपने से बड़े बूढ़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। देखो, मैं तुमसे बड़ी जरूर हूँ, लेकिन बूढ़ी तो नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ? नहीं, लगती तो नहीं है, लेकिन आप घर में अकेली रहती हैं तो मैंने सोचा कि आप बूढ़ी ही होंगी। पर मैडम शील, शील सिर्फ शील। देखो, तुम्हारा दोस्त है ना उप्पल, तुम उसे कैसे बुलाते हो? उप्पल? लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, अब कहोगे ना शील? हाँ।
ये ना आजकल अपने दोस्त कुछ खास अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, सिवाय अम्मा जी, बाबू जी, बिन्नू और ठुमकू के। शील अब सुना सुना ना क्या हुआ बता। अहो बता। अच्छा बताती हूँ, छोड़ इसको, छोड़ ना फिर। अच्छा अच्छा पहले छोड़ फिर बताऊंगी, अगर नहीं छोड़ूंगा तब नहीं बताऊंगी। अब इस बन में मोर मन लागे नहीं मृगनैन, किसी नगर में चल बसे तब चित पावे चैन। अब सुना ना। हाँ आगे सुन। हाँ सुन। तो क्या हुआ कि ये कहकर हातमताई जंगल में आगे निकल पड़ा। चलता गया चलता गया, कितने दिन चलने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। घर? और उसमें वो घुस गया। उस घर में कितने कमरे थे? अब ये थोड़ा ही लिखा होता है किस्से कहानियों में। हाँ मालूम, शील मसीह के घर में इतने बड़े बड़े 10 कमरे हैं, और वो हातिम ताई को घर में अपने घुसने भी नहीं देगी। वो मालूम आदमी को नहीं घुसने देती। तुम्हें कहानी सुननी है कि नहीं? अच्छा वो हातिम ताई कमरे में सोया था कि छत पे? गुसल खाने में सोया होगा मेरी बला। गुसल खाने में नहीं सो सकता, गीले होकर कोई सोएगा? अच्छा बाबा मुझे काम करने दे, छोड़, सारा खराब कर दिया। पहले बता गीले होकर कोई सोएगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो फिर अच्छा सुनो, कहानी अब नहीं बोलूंगा, सारा खराब कर दिया। ले ले ले, अब नहीं बोलूंगा। मैं सुनाती हूं। हां सुना। मैं नहीं सुन। सुना देना। अब नहीं बोलूं। देख अगर बीच में टोका तो फिर देखना। नहीं नहीं टोकूंगा। ठीक हां तो सुन। हां अब क्या हुआ कि जब हातिम ताई उस घर में घुस गया तो उसे नींद आए जा रही थी, आए जा रही थी, आए जा रही थी। सुन रहे है ना? हाँ तो वो सो गया। सो गया। अब सोने के बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि सामने इतनी बड़ी केतली थी चाय की और चीनी का इतना बड़ा डिब्बा। जी नहीं। जी हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? क्यों, जब मैं शील के यहाँ सो के उठता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो तुम वहां सोते हो? हाँ? अगर रोज दोपहर को 2 घंटे नहीं सोऊंगा तो शील नाराज नहीं हो जाएगी? तुम्हें इतनी अच्छी लगती है वो चुड़ैल। तू होगी चुड़ैल, जा, नहीं सुनी तेरी कहानी।
शील, अंग्रेजी पढ़ने का अपना ही मजा है ना, एकदम हिंदी। वो कैसे? अच्छा बताओ, सात माने और रात माने? रात माने रात, हाँ, और सात माने एक दो तीन चार पाँच छह सात। गलत, रात माने चूहा और सात माने बिल्ली। क्या? हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है। कहाँ? इधर आप ये देखो, ये रात और ये सात। देखे ये, ओहो टुटू, ये है आर ए टी, हाँ, रैट, हाँ, रैट यानी चूहा, ठीक है, हाँ, और ये है सी ए टी कैट, कैट, हाँ, यानी बिल्ली, हाँ, है ना, आर ए टी रैट यानी चूहा, हाँ, और सी ए टी कैट यानी बिल्ली। मुझे मालूम था। ओ टुटू, चलो आगे पढ़ो। मालूम, हमारे यहाँ एक बनिया है, वो बहुत बढ़िया हिसाब करता है। अच्छा? हाँ, उससे कहो कि लाला जी 13 रुपये गज के हिसाब से 3 गज कपड़े के कितने रुपए हुए, तो कहेगा मालूम कैसे हिसाब करता है? कैसे? 13 × 69, बाकी बचा 1, पूरे हो गए 70, 20 रुपया वापस और 10 रुपये छोड़े, पूरे हो गए 100। बस लाला जी अंगूठा लगा। ओ टुटू, ये हिसाब मेरी तो समझ में नहीं आया। मेरी भी समझ नहीं आता। अच्छा बताओ, 13 × 3 कितने? 40। क्या? नहीं, 1 रुपया कम। बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं नहीं, तुम पढ़ो। सी ए टी कैट, बिल्ली, आर ए टी रैट, चूहा मुझे मालूम है, सी ए टी बैट बल्ला ये भी मालूम है, डी ओ जी डॉग कुत्ता ये भी मालूम है, और सी ओ डब्लू काऊ गाय ये भी मालूम है, सब मालूम है। अभी इधर का पढ़ूंगा। अच्छा देखो तो सही, क्या है ये कपड़े? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इतने सारे? ये हरा रंग का पेंट ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा? हाँ, और ये नीले रंग की स्वेटर ये तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और ये लाल रंग की कमीज ये तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है।
देखने तो दो ना। ओ हेलो शी। हेलो मिसेस कैसी हो? अच्छी हूँ। हेलो। अरे सीमा तुम भी कब आए? बस दो तीन दिन हुए। अच्छा और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। शी ये तुम्हारे साथ टुटू है ना? टुटू तुम तो इन्हें जानते हो ना? जानता हूँ अच्छे से जानता हूँ। पूरे मखलौटगंज में एक इन्हीं का तो मकान है जिनकी मकान मालकिन यानी कि आप अपने यहाँ काम करने वालों को खाने के वक्त खाना देने के बजाय सर में झाग वाला साबुन लगा के बाथरूम में घुस जाती हैं और बाकी लोग मुझे टॉफी बता के साबुन का टुकड़ा खिला देते हैं। ये बहुत बुरी बात है आपकी। क्यों सील? फैंटास्टिक टुट्टू मम्मा आपकी टक्कर का भी कोई मिल गया। हाउ डे यू सीमा। प्लीज सीमा यहाँ मत करो। अभी थोड़ी जल्दी में है। जब वक्त मिले तो जरूर आना। अच्छा चलो टुटू चलो। मैं तो पहले ही जानती थी जरूर कुछ दाल निकाला है। बड़ी दूध की धुली बनती थी और कहती थी मिसेस चौहान मेरी जिंदगी में कभी कोई मर्द झांक भी नहीं सकता। ओह कम ऑन नाउ मॉम, ये उसका पर्सनल मामला है। इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? तेरी शादी तो हो गई लेकिन अकल वैसी की वैसी है। भाई वाह, फर्क कैसे नहीं पड़ता? हमारा समाज है, उसके कुछ नियम हैं। समाज की बंदिशों को मानना मजबूरी है क्या मम्मी? और मम्मी अगर शील को टुट्टू पसंद है इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। डार्लिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन टुट्टू की उम्र भी तो देखनी चाहिए ना। वो शील से सिर्फ 10 साल छोटा ही नहीं बल्कि नॉर्मल भी नहीं है। सो व्हाट, वो पागल तो नहीं है? हाँ पागल तो उसे नहीं कहूंगी लेकिन अकल उसके रुपए में से एक आना ही है। तो क्या हुआ, वो उन हजारों में से तो बहुत अच्छा है मम्मी। जिनकी अकल तो पूरी है लेकिन जो समाज के लिए गंदगी है, नासूर है। और फिर मम्मी टुट्टू अगर नॉर्मल नहीं है तो शील के भी अपने कम्प्लेक्सेस हैं, उसका क्या कहेंगी आप? भाई तुम मॉडर्न लड़कियां भी कमाल हो। आज जमाना 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है और तुम लोग पीछे की ओर दौड़ लगा रही हो। मम्मी अगर टुट्टू जैसे भले लोग मौजूद हों तो हमें पीछे की दौड़ ही मुबारक। पता नहीं कैसा वक्त आ गया है। टुट्टू के बारे में बिन्नू से उल्टा सीधा सुन रही हूँ। बिन्नू बच्ची है फिर टुट्टू भला क्या उल्टा सीधा करेगा। अच्छा आओ चले। बाऊजी मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं भी तो सुनूं। टुट्टू कल से मखलौटगंज नहीं जाएगा। उसे वहां जाने से ज्यादा शऊर आ गया है, भीड़ से भी कम डरता है अब। बाऊजी टुट्टू आजकल घर में भी कम रहने लगा है। तुम्हें मालूम है पहले से ज्यादा होशियार हो गया है? खाक होशियार हो गया है। आपको पता है वो करम जला अब घर से खाना भी साथ लेकर नहीं जाता। पता नहीं क्या कुत्ते बिल्लियां खिलाती होगी उसे और ये बेवकूफ भी चटखारे ले लेके खाता होगा। तो फिर ठीक है, पहाड़ियों की शादी में 8 सब्जियां शगन होती हैं, वो तो बनेगी ही। बराती तो कम नहीं कर सकते, ये घरातियों को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा जी, घर की पहली शादी है, रिश्तेदारों को ना बुलाकर नाक कटवानी है क्या? टुट्टू तो कल से काम छोड़ ही रहा है ना, फिर उधार मांग कर तो खिलाएंगे नहीं। तुम्हें कोई रास्ता सूझता है तो बताओ। अच्छा तो इसीलिए आप उसका मखलौटगंज जाना बंद नहीं करवा रहे हो हैं? ना ना रूप, डॉक्टरों के मुताबिक टुट्टू का खाली बैठना बिल्कुल ठीक नहीं। टुट्टू इतने उदास क्यों हो? पता नहीं। कुछ दिनों के बाद ना विन्नू की शादी हो जाएगी। अच्छा? हाँ। लेकिन ये तो खुशी की बात है। क्यों, वो घर छोड़ के चली जाएगी तब मैं क्या करूंगा? तुम भी शादी कर लेना। वाह, तो क्या मैं भी घर से निकल जाऊं? अरे तुम क्यों घर छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बेकार में बहस करती हो। अच्छा ठीक है तुम ही बताओ। पता तो मुझे भी नहीं है,
लेकिन ना रात को अम्मा जी और बाबू जी मरने वरने की बात कर रहे थे। शील, ये मरना क्या होता है? दिल पे हाथ रखो। सुनो कैसी आवाज कर रहा है। छुक 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 छुक। शील, तुम्हारे दिल में और मेरे दिल में फर्क है? नहीं। तो फिर तुम्हारे दिल में भी छुक छुक की आवाज आती है? तो मेरी बात तो सुनो। कुछ बोलो तभी तो सुनूंगा। उठो। देखो, जब ये धक धक बंद हो जाती है ना, तब आदमी मर जाता है। इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा? इतनी जल्दी नहीं। वैसे भी देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए पहले तो मैं मर जाऊंगी। खबरदार, जो तुम मरी तो एक तो बिन्नू घर छोड़कर चली जाएगी और तुम भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? टुट्टू, टुट्टू, क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? मुझे ना नदी, पहाड़, जंगल सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। मुकेश पूरी करके नहीं दी उसने। तो मेरा डोली वाला दुपट्टा नहीं बनाया उसने? कह रहा था कल तक दे देगा। किरपू, जा लकड़ियां ले आ। टुटू आ गया? हाँ। देख क्या क्या लाई हो तेरे लिए जगदीश की हट्टी से। अम्मा, कितना सुंदर रंग है। और ये तेरी ननान के लिए, ये देख। और गोटे वाला दुपट्टा? देती हूँ, सब देती हूँ, ये भी ले, ये। तो सुंदर लग रहा है। टुटू, ओ टुटू। अम्मा जी, मैं पढ़ रहा हूँ। इधर तो आ, देख क्या लाई हूँ तेरे लिए। मालूम है पेंट लाई होगी, रख दो, ठहर के देख लूंगा। पिछले कई महीनों से पेंट पेंट चिल्ला रहा है, अब लाई हूँ तो। इसे अब क्यों पसंद आने लगी ये? उस मेमने से ढेर सारे कपड़े जो दिए हैं। दिखा जरा। ये देखो, ये भी देखो, ये देखो क्या क्या लिया है उस मुई ने। सत्यानाश, तेरे बाबू जी को तो लाख समझाओ कुछ समझता ही नहीं। टुटू, इधर आना। ये क्या है? ये पैंट है, वो शर्ट है, और वो। मैं पूछती हूँ, लाने का मतलब क्या है? अम्मा जी, मैं पहनूंगा। तुझे शर्म नहीं आई खैरात लेते हुए? अम्मा जी, कोई प्यार से दे तो मुझे क्यों शर्म आने लगी? बिन्नू, जा फेंका बाहर नाले में। बिन्नू, बिन्नू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। बिन्नू, बिन्नू, बिन्नू,
तो मेरा दिमाग कम ही नहीं खराब भी कर दिया उस चुड़ैल ने। वो तो कभी नहीं कहती कि मेरे पास दिमाग नहीं है, वो तो कभी डांटती भी नहीं। तुम लोग मुझे अच्छे भी नहीं लगते। अब इस घर में नहीं रहूंगा। टुटू, टुटू रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। थक गई मैं तो, अब नहीं जिया जाता। और टुटू तू ना लड़ा कर मुझसे, बड़ा दिल दुखता है। मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो खुद ही लड़ती है और खुद प्यार भी करती है। फिर तेरी माँ बड़ी बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए सनक गई है। अम्मा जी, बिन्नू जब बूढ़ी हो जाएगी तो ये भी सलग जाएगी। लेकिन जरूर बताइए। अरे ये क्या, कभी घर आओ तो तुम्हें ऐसे और अच्छी बना के दिखा। आइए ना, एक कप चाय पी के चलिए। मेरे ख्याल से मैं चलूंगी। क्या? तुम्हें तो मालूम है शाम को यूथ क्लब की मीटिंग है और फिर मुझे जाके शैम्पू भी करना। अच्छा आओ। अच्छा बेटे ठीक है, मामा मैं थोड़ी देर में आऊँ, बाद में आ जाना। सुनाओ सीमा, शील क्या बात है, आज टुटू नहीं दिखाई दे रहा? उसकी बहन की शादी है। तुम नहीं जाओगी? देखूं फूलों ने चाय बनाई कि नहीं। वैसे शील, टुटू है बढ़िया इंसान। दो रोज पहले मुझे कुतवाली बाजार में ऐसे मिला जैसे बरसों से जानता हो। मैं तो इतना हंसी कि आते जाते लोग मुझे घूरने लग गए कि ये पागल तो नहीं हो गई। तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है, घूमने गया होगा। दरअसल शील, मैं तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे क्यों? क्या तुम टुटू की मदद नहीं करना चाहोगी? क्या वो टुटू को ठीक कर पाएंगे? नहीं। तो फिर मिलने से क्या फायदा? पर नुकसान भी क्या है शील, शायद टुटू को जिंदगी समझने में मदद मिल जाए। आजकल दिल्ली की भीड़ से बचने को यहाँ आए हुए हैं। मेरे ससुर के दोस्त हैं, मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक है। तुम्हारे टुटू के बारे में बातें सुनकर आई हैव बिकम एनवियस ऑफ दिस यंग मैन। डॉक्टर, मैक्लोडगंज में कब से रह रही हो? करीब 100 साल पहले मेरे पुरखे यहाँ आ गए थे डॉक्टर साहब, और तब से लेकर बस हम यहीं के होकर रह गए। दरअसल निहायत खूबसूरत जगह है ये। दिल्ली से चला था तो मैंने सोचा था कि अपने प्रोफेशन के बारे में कोई भी बातचीत इन छुट्टियों में नहीं करूंगा। अच्छा, I'm sorry then. It's all right, Sheel. I love my profession. कुछ एक सवालात मैं आपसे पूछूंगा।
और आपका इन बातों का जान लेना बहुत जरूरी है कि जो भी बातें आप मुझे टुट्टू के बारे में या अपने बारे में बताएं वो सही होनी चाहिए, उनकी इंटरप्रिटेशन भी सही होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो टुट्टू के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मेरे सैर का वक्त हो रहा है। अच्छा, हम बाहर चलते हैं, बातचीत भी कर लेंगे और सैर भी कर लेंगे। जी जरूर, चलें। के लिए चले तो बोलो। ये बिन्नू की शादी क्यों हो गई? देखो टुटू, हर एक की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे ऐसे सहारे की जरूरत होती है जिसमें माँ बाप, भाई बहन सब शामिल हों। तुम्हें तो ऐसे सहारे की जरूरत नहीं है ना? शादी कर ली और वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो, जिंदगी साथ रहने और बिछड़ने के साथ एकदम जुड़ी हुई है, लेकिन टुटू, सवाल साथ रहने और बिछड़ने का इतना नहीं है जितना इस बात का एहसास कि इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी कद्र है, कितना प्यार है। देखो टुटू,
बाणगंगा कैसे तेजी से बह रही है। मुझे ना आजकल पता नहीं क्यों अपने आप रोना आ जाता है जब मैं देखता हूं कि बिन्नू घर में नहीं है। चुट्टू चुट्टू, बिछुड़ना जिंदगी का सबसे मुश्किल और खूबसूरत हिस्सा है, खास तौर से उससे जिससे हमें बेहद प्यार हो। इसीलिए तुम रोना छोड़कर इस बात से खुश हो जाओ कि बिन्नू तुमसे सिर्फ दूर चली गई है, बिछड़ी नहीं, तो तुम्हें कहीं अच्छा लगेगा। टुटू, टुटू, मुझे ना अम्मा जी बहुत अच्छी लगती है, पर तुम बिन्नू से भी ज्यादा अच्छी लगती हो शील। आम जिस्मानी रिश्तों के बारे में ना जानना कोई खास बात नहीं, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद उसे अपोजिट सेक्स या औरत का एहसास तो हो गया जी। संसार चंद किले से आने के बाद क्या टुट्टू में तुम को वो कुछ खामोश हो गया डॉक्टर, बार बार मेरी तरफ देखता है, चाहता है कि मैं पहले कुछ बोलूं। आई सी। कई बार न जाने क्यों मुझसे नाराज हो जाता है, कई कई घंटे बात नहीं करता। तुम्हें ये सब कैसे लगता है? मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ डॉक्टर, वो आता है उदास हो जाता है तो और भी अच्छा नहीं लगता, और जब नहीं आता बहुत बुरा। अरे टुटू तुम क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये टुटू है। हेलो, कैसे हो? क्या हुआ टुटू? डॉक्टर साहब मैं चलूंगी। इट्स ऑल राइट, सी यू, बाय बाय। क्या हुआ?
टुटू टुटू तुम अगर कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अम्मा जी की ना तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? कल रात को ना उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था तो मिशन अस्पताल में भर्ती कर दिया है। I'm sorry, टुटू। उनके पास कौन है? बिन्नू और जीजा जी। तुम नहीं गए? गया था पर ना अम्मा जी ने मुझसे कोई बात नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ शील। अम्मा जी मर जाएंगी? नहीं टुट्टू, ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। ये आदमी जब मर जाता है तो पैदा क्यों होता है? आगे बैठे। हाँ भाभी। टुटू बेटे आज तो वहीं रह जाते तो अच्छा होता। जी, मैं आपके लिए खाना बना दूं? नहीं बेटे, मेरा मन नहीं है, तू खा ले। मेरा भी मन नहीं है बाबूजी। तेरी अम्मा जी हैं बड़ी अच्छी।
बाबूजी मैं अम्मा जी से मिलने चला जाऊं? नहीं बेटी। क्यों? तेरा अस्पताल जाना ठीक नहीं है ना। ठीक है बाबूजी, फिर आप ही हो आइए। जा, तू मुंह हाथ धो ले, कपड़े बदल। समझ में ये नहीं आता डॉक्टर साहब कि टुटू के माँ बाप ने उसे औरत और मर्द के अलग अलग रिश्तों के बारे में पूरी तरह समझने क्यों नहीं दिया। मैं तुमसे सहमत होते हुए भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिन हालात में टुटू पैदा हुआ उनका रिएक्शन ठीक था। मैं बेहद परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगता है? मैं समझी नहीं। यानी कि ये रिश्ता मजबूरी का है या मौका, या अपने आप को इन हालात में फंसा हुआ पाती हो, या अपने आप को बचाना चाहती हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है? डॉक्टर साहब, दरअसल ये सारी बातें कुछ एक साथ हैं। इसका मतलब तुम चाहो भी तो उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं उसे अपने साथ रख भी तो नहीं सकती। क्यों? डरती हो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे? जी नहीं, मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे टुट्टू की परवाह है। दरअसल मैं डरती हूँ कि क्या वो उनके ताने सह पाएगा। तुम्हारी जुदाई से तो उनके ताने बेहतर सह पाएगा। अगर ये बात तुम्हारे जहन में आ ही गई है तो टुट्टू को इस स्टेज पे अपनी जिंदगी से निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो मेंटली रिटार्डेड है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। टुट्टू की एबनॉर्मैलिटी का ताल्लुक उसके दिमाग से है, उसकी रूह से नहीं। उसकी रूह की ओर तवज्जो दो। डॉक्टर साहब, शायद आप मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। टुट्टू तुमसे मोहब्बत करता है शील, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं टुट्टू से उम्र में बड़ी भी हूं। बड़ी हो लेकिन एक औरत भी हो। क्यों रहता है टुट्टू तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगता है। You are right, doctor. देखो शील, जिंदगी ने पहले ही टुट्टू से बहुत कुछ छीन लिया है। तुम एक इंटेलिजेंट औरत हो, तुम्हारा उसके साथ रहना ही इस समस्या का हल होगा। Be brave, शील। अब मैं मर भी जाऊंगा तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बड़ी दोस्त बंदी फिरती थी, क्या दोस्त आपस की बात दूसरों को बताते हैं? अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। अब मनाओगी तब भी नहीं मानूंगा। टुटू, टुटू, नहीं आऊंगा। कोशिश करो, टुटू। Mm-hmm.
डॉक्टर साहब, टुट्टू अब कभी वापस नहीं आएगा। शील, टुट्टू ने कहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम वहां नहीं जा सकती। ये आपसी विश्वास की बात है। नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे आपसे मिलना था। आओ बेटे, आओ। बैठो बेटे। शील, आपने मुझे पहचाना कैसे? टुट्टू के मुंह से शील शील सुनकर तुम्हारे बारे में हमारे मन पे एक अक्स उभर आया है। कहो, कैसे आना हुआ? अम्मा जी कैसी हैं? वो ठीक नहीं है, मिशन अस्पताल में है। मैं तो नहीं जा पाया। भला मानस जो आया बिन्नू उनके साथ हैं। दरअसल मैं टुट्टू की वजह से आई थी। टुट्टू नादान है, वो ना जाने किस बात पे तुमसे रूठ बैठा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो बेटे। टुट्टू के बारे में मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की थी। उनका कहना है कि एक ऐसे सहारे की सख्त जरूरत है माँ बाप के चल बसते ही। पिछले कई बरसों से मैं ही सुनता चला आया हूँ। इसके अलावा आप रहने दो बेटा, मुझे मालूम है कि टुट्टू तुमसे हिल गया है। चील, एक वायदा करो कि हमारे जाने के बाद तुम जितना बन सके तुम टुट्टू का पूरा ख्याल रखोगी। जी, लेकिन आपने मेरी पूरी बात ना, तो ना। बहुत जिंदगी देख ली बेटे मैंने, अब तो अनकहा ही ज्यादा समझ में आता है। शील, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम टुट्टू की जिंदगी में आई। Thank you.